नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज डार में। तो दोस्तों मैं हूं विवेक और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन को, यानी जिसका नाम है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम, जो कि एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम फुल टाइम और कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों चलिए बिना टाइम गए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपका अभी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम जो देख लीजिए 20 फरवरी 2022 को इसका जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ओके। मैं डिटेल में बताऊंगा, सो वीडियो को अंदर देखिएगा, स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखाऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या फिल करना है, वो भी सब डिटेल में बताऊंगा। सो वीडियो को जस्ट अंत तक देखना है आप। चलिए स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम बेसिकली किसके लिए है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सो ये देख लीजिए, इसमें कौन कौन से एलिजिबल है, जो कि क्लास 4 to 12, अगर आप क्लास 4 to 12 के स्टूडेंट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर लाते हैं नेशनल लेवल पे, ओके, सपोज आप नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप देते हैं और आपको यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 90,000 का आपको मिलता है, यहाँ पे पैसा मिलेगा आपको, एक अवार्ड के तौर पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 90,000 का, ओके। और साथ में आपको जो है एक साल का आपको पूरा मिलेगा और साथ में एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सेकंड रैंक आता है तो आपको जो प्राइज मनी मिलेगा 70,000 का प्राइज मनी मिलेगा। अगर थर्ड रैंक आता है ऑल इंडिया लेवल पे आपका तो 50,000 का आपको यहाँ पे प्राइज मिलेगा। सो बेसिकली एक तरह से एक प्राइज मनी है ये साथ में, और साथ में एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए अब बताते हैं जिनका टॉप 100 में आते हैं, सपोज जिनका अभी जिनको 1000 स्टूडेंट जो होंगे यहाँ पे, सपोज 1000 जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलना ही है, ठीक है। अब देखिए 1000 जो विनर्स होंगे, जो 1000 रैंक के अंदर में जो आएंगे उनको सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे उनको दे दिया जाएगा, जिस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपको बता देता हूँ कि ये जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे, बेसिकली एक ऑनलाइन टेस्ट है, आप इसको घर बैठे भी दे सकते हैं, दो फेज में इसको जो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए 120 रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना है 120, कौन कौन सा सब्जेक्ट है देख लीजिए, मैथ, इंग्लिश, साइंस और जीके। मैथ, इंग्लिश, साइंस और जीके। मैथ में कितना क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश में कितना है 20, साइंस में कितना 20 और जीके में कितना है 20, यानी कि आपको मैथ में ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। टोटल मैथ में आपका है 60, यानी कि 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। ये देखिए ऑफलाइन होने वाला है या फिर ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम इसका होता है या ऑनलाइन होता है, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फीस देख लीजिए इसका कितना है, ऐसे 249 रुपीज, ये इसका एक एप्लीकेशन फी है, आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा 249 रुपीज फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ये जो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल है, जैसे कि आपने सब्जेक्ट देख लिया, पहले ही बता दिया मैथ, इंग्लिश, साइंस और जीके, ये सब्जेक्ट का। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, 4th, 5th, 6th up to 12th, 4 to 12.
आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे देना है, साथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और अपना एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो कि फोटो का साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए, उससे ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये कंसेंट है, आई हियर वे डिक्लेयर, इसको करने के बाद फाइनली जो है अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। सो जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइनल जो है आपका ये सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका पेमेंट गेट पे वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, पहले ही बता दिया पेमेंट आपका कितना है, 250 रुपये यानी 250 के आसपास आपको यहाँ पे 249 पेमेंट है आप यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों ये था सारा डिटेल्स इसको लेकर, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम को लेकर। अगर आपको कुछ यहाँ पे छूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है मेरे से चैट कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। और साथ में आप मुझसे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ चैट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM करके मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर कुछ छूट जाए तो आप पूछ लीजिएगा, और कुछ ना समझ में तो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं या मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये था सारा डिटेल ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम को लेकर। ओके, मिलता हूँ मैं ऐसे ही स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं हूँ विवेक, दिस इज विवेक सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू, wish you all the best.